हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा गाइस। गाइस आज के सोशल सिक्योरिटी वाली प्लेलिस्ट के लेक्चर के अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन 2022 के एंड के अंदर दो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज की थी। उन रिपोर्ट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और उस उन रिपोर्ट्स के अंदर क्या की हाईलाइट पॉइंट्स थे उनको हम देखेंगे। तो ये हमारा एजेंडा रहेगा इस लेक्चर का, एंड काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएं, क्योंकि सरकार की जो रिपोर्ट्स होती हैं ना वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को डिस्कस करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द रिपोर्ट गाइज, ये यूपीएससी का ईपीएफओ एओईओ का जो मॉक टेस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको ज़रूर अटेम्प्ट करो, कम्प्लीटली अटेम्प्ट करो। 120 क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है जैसा आपका यूपीएससी के अंदर रहता है। ओके, अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। एंड इफ यू स्कोर 30+, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 30+ अगर आपका स्कोर आता है तो आपको 90% जो है इसके अंदर हम डिस्काउंट देंगे, जो हमारा एमसीक्यू कोर्स है जिसके अंदर आपके यूट्यूब लेक्चर्स के पीडीएफ रहते हैं और उसके अलावा आईआरएल, गैप और सोशल सिक्योरिटी के एमसीक्यूज रहते हैं, ओके, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो 90% ऑफ के बाद वो बहुत लो प्राइसेस में आपको ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हैं कि आज की डेट में 50-60 रुपए क्या वैल्यू रखते हैं, उस प्राइस में आपको मिलता है। सो डू एक्सप्लोर इट। रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया पर आ जाते हैं। तो यहां पर बेसिकली सरकार ने दो रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। एक है आपकी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट 2021, एंड एक है आपकी रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स या पीजीआई फॉर स्टेट्स यूटीज फॉर 2021 रिपोर्ट। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट को। सो ये जो आपका UDISC प्लस रिपोर्ट है, बेसिकली इसके अंदर डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड दोनों स्कूल्स से कलेक्ट की जाती है, बेसिकली जो किसी भी बोर्ड के थ्रू प्रॉपरली रिकॉग्निशन जिनको नहीं मिला हुआ उनसे भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की जाएगी। और बेसिकली इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है वो कौन सी क्लासेस से कलेक्ट की जाती है, प्री प्राइमरी से लेकर के 12th क्लास तक की इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्लीट स्कूल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और ये इंफॉर्मेशन बेसिकली सरकार क्यों कलेक्ट करती है, ताकि बेटर प्लानिंग की जा सके, रिजल्ट्स देख करके हम बेटर प्लान कर पाएंगे, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है प्रॉपरली और एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए बेसिकली ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इंफॉर्मेशन ऑनलाइन कलेक्ट की जाती है, एक ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर्म होता है, जैसे आपके गूगल फॉर्म्स होते हैं ना, वैसा एक डेटा कलेक्शन फॉर्म होता है और उसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जो भी स्कूल इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक UDISC कोड दिया जाता है और इसी कोड को से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल और यूनिक कोड होगा हर स्कूल का, एंड यूजिंग दिस कोड वो सारे के सारे डेटा जो है वो फिलअप करेंगे। ओके, इसके अंदर देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि भाई स्कूल के पास कोई डिजिटल लाइब्रेरी है, पीयर लर्निंग का क्या प्रोसेस है, यानी कि स्कूल्स की बाकी स्कूल्स के साथ कैसी इंटरेक्शन है, हॉट स्पॉट आइडेंटिफिकेशन, नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल इन स्कूल लाइब्रेरी, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पहली बार बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर कलेक्ट की गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद। तो जो टॉप इंफॉर्मेशन हमारे पास है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है, सबसे पहले तो पैरामीटर्स में देखो, टोटल एनरोलमेंट इन स्कूल्स, अब ये एनरोलमेंट की हम बात कर रहे हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की। तो 2021 के मुकाबले, 2021 में जो UDISC रिपोर्ट आई थी उसके मुकाबले 21-22 में जो एनरोलमेंट है वो 0.76% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है। बॉयज का एनरोलमेंट 13.28 करोड़ है, गर्ल्स का 12.28 करोड़ है। एग्जैक्ट नंबर याद नहीं करने की जरूरत है, बस एक फोटो आपके दिमाग में क्लिक रहनी चाहिए। नंबर ऑफ टीचर्स के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है, नंबर ऑफ टीचर्स में कमी आई है 2021 के मुकाबले, तो ये डिक्लाइन है। एंड 51% से ज्यादा जो टीचर्स हैं वो फीमेल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें, जैसे बिजली, ड्रिंकिंग वाटर, लड़कियों के लिए टॉयलेट, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, प्लेग्राउंड, इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली है एज पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की अगर हम बात करें, प्राइमरी लेवल के ऊपर 104.8% का इंक्रीज देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू 101.3%।
सेकेंडरी लेवल के ऊपर 79.6% जो है वो हो गया है आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, 18-19 में 76.9 था। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लेवल के ऊपर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो इंक्रीज हुआ है। ड्रॉप आउट रेट यानी कि बच्चा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल से हट गया, प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है और सेकेंडरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट घटा है। प्यूपिल टीचर रेशियो यानी कि एक क्लास में बच्चों के मुकाबले कितने टीचर्स हैं, ठीक है, सो 26 पर आ गया है 21-22 में, 18-19 में ये 28 पर था। तो बेसिकली हर 26 बच्चों के मुकाबले एक टीचर है क्लास में। टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स जो है वो डिक्लाइन हो गए हैं, 14.89 लाख स्कूल्स हैं एज पर दिस सर्वे 21-22 में, 20-21 में 15.09 थे। और रिपोर्ट कहती है कि डिक्लाइन क्यों हुए हैं, मेनली डिक्लाइन हुए हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो क्लोज हुए हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल नहीं बंद हुए हैं, प्राइवेट स्कूल क्लोज हुए हैं। ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट बेस्ड इसके अंदर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दे कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर वन, एज पर UDISE प्लस रिपोर्ट ऑफ 2021 नंबर ऑफ टीचर्स हैव इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ टीचर्स इंक्रीज्ड, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट नंबर वन हो गया। स्टेटमेंट नंबर टू वो आपको दे दे फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप आउट रेट इन प्राइमरी स्कूल्स इंक्रीज्ड और ड्रॉप आउट एट प्राइमरी लेवल इंक्रीज्ड, ठीक है, दो स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल दे देता है और आपसे पूछता है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी थ्री ओनली, डी सॉरी थ्री ओनली नहीं बोथ होना चाहिए, बोथ एंड डी इज नन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टीचर्स इंक्रीज नहीं हुआ, क्या हुआ है, नंबर ऑफ टीचर्स डिक्लाइन हुआ है। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है वो इंप्रूव हुआ है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में, दिस इज वन, ओके, वन या वन से ज्यादा है स्कूल लेवल एजुकेशन में। अभी ग्रॉस पैरिटी इंडेक्स वन का क्या मतलब होता है, अगर ग्रॉस पैरिटी इंडेक्स की वैल्यू वन या वन से ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि फेवरेबल है गर्ल्स के केस में, यानी कि जो एनरोलमेंट हो रही है उसमें गर्ल्स आर इक्वल, जितना बेसिकली बॉयज का एनरोलमेंट हो रहा है उतना ही गर्ल्स का एनरोलमेंट भी हो रहा है एजुकेशन के अंदर। अगर आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स एक से कम है इसका मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गर्ल्स जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के अंदर, नए बच्चों का जो एनरोलमेंट हो रहा है उसमें गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन कम है। तो GPI एक से ज्यादा है इसका मतलब गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन अच्छा है एनरोलमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज योर रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI जिसको हम बोलते हैं, ओके, बेसिकली अगेन ये स्टेटस की ही बात करता है स्कूल एजुकेशन की, स्टेट्स और यूटीज के अंदर क्या सिस्टम है स्कूल एजुकेशन का। बेसिकली एक तरीके से हर स्टेट और हर यूटी को आईना दिखाने का ये काम करेगा कि हाँ जी आप क्या कैसा परफॉर्म कर रहे हो स्कूल एजुकेशन के अंदर, ठीक है, और उसी के बेसिस पे हर स्टेट को पॉइंट्स दिए जाएंगे कि हाँ जी आपके ये पॉइंट्स हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस है, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, उनको बताया जाएगा कि हाँ जी ये एरिया को इंटरवेंशन की जरूरत है, इसको आप प्रायोरिटी दें, इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है जी। तीन PGI रिपोर्ट्स अभी तक रिलीज की गई थी 2017-18 से लेकर के, एंड स्टेट्स एंड यूटीज को ग्रेड्स में यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है, बेसिकली लेवल बना दिए इन्होंने, जैसे अपने ग्रेड होते हैं ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ठीक है, उस तरीके से ग्रेड दिए जाएंगे स्टेट्स को कि हाँ भाई ये स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो ये ए ग्रेड में है, इन्होंने बुरा परफॉर्म किया ये बी में है, इन्होंने और बुरा परफॉर्म किया ये सी में है, ठीक है। यहाँ पर रैंकिंग वाला सिस्टम नहीं है कि ये पहली स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, ये तीसरी स्टेट है, यहाँ पर ग्रेडिंग वाला काम होगा। तो PGI में टोटल 1000 पॉइंट पे होते हैं, 1000 पॉइंट्स में से स्टेट्स को पॉइंट्स दिए जाते हैं, 70 इंडिकेटर्स में ये पॉइंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दो कैटेगरीज में ये इंडिकेटर्स डिवाइडेड है, एक तो आउटकम कि भाई जो स्कूलों में पढ़ाई हो रही है उसका आउटकम क्या है, लर्निंग, बच्चों की लर्निंग कैसी है, एक्सेस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, इक्विटी, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में देखते हैं कि स्कूल्स का गवर्नेंस प्रोसेस कैसा है। तो इन दो के बेसिस पे ये 70 इंडिकेटर्स हैं जिनके 1000 पॉइंट्स हैं। तो हाइलाइट्स क्या थे कि देखो कोई भी स्टेट लेवल वन के अंदर नहीं आई, या किसी भी स्टेट को आप ये कह लो ए ग्रेड नहीं मिला। ए ग्रेड किनको मिलता है, जिनके 950 से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं 1000 में से, ठीक है। 2017-18 में लेवल टू में भी कोई स्टेट नहीं थी,
ठीक है, लेवल टू में भी कोई स्टेट नहीं थी, लेकिन इस साल का जो रिपोर्ट है इसके अंदर 7 स्टेट्स जो हैं इनको लेवल टू मिल चुका है, एंड कोई भी स्टेट लेवल 7 में नहीं है। ठीक है, लेवल 7 से नीचे नहीं है। लेवल 7 बेसिकली वो स्टेट्स होती हैं जिनके 650 से भी कम पॉइंट्स हो, तो लेवल 7 में कोई भी स्टेट नहीं है। तो बेसिकली हमारी जितनी भी सारी स्टेट्स हैं वो लेवल 2 से लेकर के लेवल 7 तक ही है। ठीक है, लेवल 6 तक ही है, उससे नीचे कोई स्टेट नहीं है। ऑल राइट, तो हाईएस्ट लेवल में कोई नहीं है और सेकेंड लेवल में 7 स्टेट्स हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो यहां पर हमारी ये दोनों रिपोर्ट्स कवर हो जाती हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने के इनमें से काफी ज्यादा चांसेस हैं, तो अच्छे से इनको कवर अप कीजिएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो। मैंने आपको पहले भी बताया, जितना ज्यादा आप जुड़ोगे उतना ज्यादा हम इस चैनल को ग्रो करवाएंगे। ठीक है, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट करें या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर ज्वाइन करें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड बाय।